भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक कोरोना के 1.6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से दुनिया से भारत 9वें नंबर पर है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एंड मेडिसिन की वेबसाइट के मुताबिक बृहस्पतिवार की रात तक भारत में मृतकों की संख्या 4,695 हो गई। वेबसाइट के मुताबिक भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 1,65,000 से ज्यादा है और 70,500 लोग ठीक हो चुके हैं। समाचार एजेंसी की माने तो संक्रमण के 7,000 नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 1,60,666 हो गई है। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्तर पर भारत की एक और बड़ी छलांग देखने को मिली है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत 9वें और एशिया में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। 3 दिन पहले ही ईरान को पीछे छोड़ते हुए भारत 10वें स्थान पर आ गया था। वर्ल्ड मीटर वेबसाइट और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार बृहस्पतिवार रात तक भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,63,120 दर्ज की गई। प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 मई से 27 मई तक 3700 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसके जरिए 95 लाख से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि ट्रेन का किराया यात्रा शुरू करने या मंजिल वाले राज्य ने चुकाया है, मजदूरों पर इसका कोई बोझ नहीं था। शुरुआत में जिन्होंने किराया दे दिया था उनको बिहार सरकार ने भुगतान कर दिया है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि कोविड 19 के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है और अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रियाएं हैं। भारत में इन 4 पद्धतियों का इस्तेमाल कोविड 19 के लिए वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। डॉक्टर राघवन ने कहा कुछ कंपनियां एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में R&D कर रही हैं। लगता है अक्टूबर तक प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी। कुछ फरवरी 2021 तक प्रोटीन बनाकर वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पात्रा के अस्पताल में भर्ती होने पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करके उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संबित पात्रा की गिनती बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में होती है। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। न्यूज एजेंसी की माने तो संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं।